एक सपना था नाम कमाने का, पूरी दुनिया में अपना परचम लहराने का। सपने टूटे, फिर एक नई ख्वाहिश ने अंगड़ाई ली। सुख संपन्न परिवार को छोड़ उसने सरल जीवन की राह ली। मुश्किलात थी राहों पर हौसले कभी कम नहीं हुए। कुछ बात तो थी उसकी बातों में, शायद इसीलिए शुरू में 9 थे फिर वे 1000 हुए। वो जुनून आज भी है, बस मंजिलों की राहें बदल गई हैं। वो जज्बा आज भी है, बस उन सपनों की परिभाषा बदल गई है। वो जो गिर के उठा, फिर सहारा उसने पूरी दुनिया को दिया। आज सच सच नमन है उसे जिसने पूरी दुनिया को शिक्षा दिया। सबों को जय जीसु। मैं हूं फादर जेम्स, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आइए बात करते हैं आज संत इग्नासियस लोयोला के बारे में। बहुत साल पहले सन 1491 ईस्वी में उत्तरी स्पेन के एक गांव लोयोला में एक बालक का जन्म हुआ। यह बालक अपने 13 भाई बहनों में सबसे छोटा था। उसके माँ बाप ने उसका नाम रखा इनिगो लोपेज। इनिगो का परिवार काफी संपन्न था और उस क्षेत्र में काफी लोकप्रिय भी। खेत खलिहानों और जंगलों के बीच उसका एक बड़ा सा घर था, जहाँ अमन चैन की जिंदगी थी और परिवार वालों का बेसुमार प्यार भी। बचपन से ही इनिगो के मन में एक वीर योद्धा बनने की ख्वाहिश जाग उठी थी। जहाँ तक उसके व्यक्तित्व और काबिलियत की बात है, सभी लोग उसके साहस, उसके मेहनत और उसके दृढ़ इच्छा शक्ति की दाद देते थे। किशोरावस्था में नाम कमाने और समाज में एक खास जगह बनाने की भी उसकी एक तमन्ना थी। किशोरावस्था से जब वह वयस्क हुआ तो उसके दिल की ख्वाहिश ने उसको और भी ज़्यादा स्वाभिमानी बना दिया। अब उसकी इच्छा थी कि वह सबसे काबिल योद्धा बने, हर एक युद्ध में उसे जीत मिले और एक बहुत ही सुंदर राजकुमारी से उसका विवाह हो। दोस्तों, हम सबके जीवन में कभी ना कभी एक ऐसा मोड़ जरूर आता है जब हमें ऐसा लगता है मानो हमारे भविष्य के रास्ते अब धुंधले पड़ गए हों। हमें ऐसा लगता है मानो जो सपने हमने अपने दिल में रखे हैं वो शायद कभी पूरे ना हो पाएंगे। इनिगो के जीवन में भी एक ऐसा ही मोड़ आया जब पंपलोना के किले की रक्षा करते हुए फ्रांसीसी सैनिकों द्वारा फेंका गया एक तोप का गोला उसके पैरों में आ लगा और वह बुरी तरह से जख्मी हो गया। दिल में जो ख्वाहिश थी, जीवन में आगे बढ़ने की जो तमन्ना थी, उन पर अब एक प्रश्न चिन्ह लग गया। घायल अवस्था में इनिगो को उसके घर लाया गया। इनिगो को यह सोचकर बहुत ही पीड़ा का अनुभव होता था कि अब वह एक वीर योद्धा नहीं बन पाएगा, और उससे भी पीड़ादायक सोच यह थी कि वह अपने सपनों की राजकुमारी को पहले की तरह आकर्षित नहीं कर पाएगा। अब इस तन्हाई और अकेलापन में उन्होंने किताबों से दोस्ती कर ली। उन्होंने यीशु ख्रीस्त की जीवनी को पढ़ा, बहुत सारे संतों की जीवनी को पढ़ा और उनके जीवन, रहन सहन और उनकी मानसिकता से इनिगो इतना प्रभावित हुआ कि वह यह सवाल करने लगा कि जब ये कर सकते हैं तो क्यों मैं नहीं। अब इनिगो की मानसिकता भी बदलने लगी थी। एक व्यक्ति जो वीर योद्धा बनना चाहता था, नाम कमाना चाहता था, वह अब शांति का दूत बनने के लिए तैयार था। तलवार की नोक पर जो हमेशा अपनी वीरता को दिखाना चाहता था, वह अब सेवा की भावना से ओत प्रोत लगने लगा था। इनिगो जब फिर से चलने फिरने के काबिल हो गया तो उसने अपने जीवन की एक नई पहचान बनाने की कोशिश की। वह मोंसेरात चला गया। मोंसेरात की माता मरियम की चरणों में उसने अपनी तलवार भेंट कर दी और अपने जीवन के लिए, एक अच्छी शुरुआत के लिए उसने माता मरियम से प्रार्थना की। अपने मांगे कपड़े उन्होंने भिखारियों को बांट दिए और खुद एक भिखारी की तरह जीने लगा। यीशु ख्रीस्त के प्रति उसका लगाव बढ़ गया था। वे यीशु ख्रीस्त को और भी ज़्यादा गहराई से जानने की इच्छा रखते थे, इसीलिए उसने यरूशलेम जाने का निश्चय किया। यरूशलेम में रहते हुए उसे यह आभास हुआ कि ईश्वर की सेवा के लिए उसे अपनी बौद्धिक शक्ति पर ज़्यादा काम करना है। तभी वह ईश्वर के वचन को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा सकते हैं। यरूशलेम से लौटने के बाद इनिगो पेरिस चला गया और वहां पर अपनी पढ़ाई शुरू की। तब वह 38 साल का हो चुका था। वहां पढ़ते वक्त उसने बहुत सारे नए दोस्त बनाए, जिनमें हमारे देश के संरक्षक संत फ्रांसिस जेवियर भी थे।
अपने नए 9 मित्रों के साथ मिलकर उसने एक ग्रुप बनाया जिसे फ्रेंड्स इन द लॉर्ड के नाम से कहा गया। पेरिस में ही रहते हुए उन्होंने आज्ञा पालन, शुद्धता और गरीबी का व्रत लिया और यरूशलेम जाकर वहीं पर रहने और काम करने का निश्चय किया, लेकिन आकस्मिक युद्ध के कारण वे वहां जा ना सके। इसलिए उन्होंने संत पापा के चरणों में अपने आप को सुपुर्द कर दिया ताकि वे उनका सही इस्तेमाल कर सकें। संत पापा ने उन्हें विश्व के कोने कोने में भेजना शुरू किया जिसे ईश्वर की जो आग है उसको वे वहां पर जला सकें। दिन बीते, महीना गुजरा और देखते देखते कई साल हो गए। कैथोलिक कलीसिया में आज इन्हीं को यीशु समाजी अर्थात जेजुइट्स के नाम से जाना जाता है। आज उनकी संख्या 18,000 से ज़्यादा है और वे करीब 112 देशों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अगर हम अपने देश भारत की बात करें तो उनके द्वारा चलाए जाने वाले करीब 31 यूनिवर्सिटीज़ हैं, 5 बिजनेस स्कूल्स हैं और 155 से ज़्यादा हाई स्कूल्स हैं और इनमें पढ़ने वाले करीब 2,50,000 से भी ज़्यादा विद्यार्थी हैं।